हम सबको एक अच्छी कहानी पसंद है। होमर के समय की महाकाव्यों की रचना से लेकर आज के बिंजवर्दी वेब सीरीज तक कहानियां हमेशा से इंसानी जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती आई हैं। और चाहे आप उपन्यासों को पसंद करें या सीरियलाइज्ड पॉडकास्ट्स, ब्लॉकबस्टर्स या फ्लैश फिक्शन, ये ज्यादातर संभावना है कि कहानियां किसी न किसी रूप में आपके आज के व्यक्तित्व को बनाए रखने में सहारा करती हैं। तो अगर आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं, यही आप यहां सीखेंगे। आपको बताने के लिए कि आप कैसे अपना खुद का स्टोरी ब्रांड बना सकते हैं, ये वीडियो न केवल आपको प्रतिस्पर्धा में अलग बनाने में मदद करेंगे बल्कि ये भी दिखाएंगे कि आप अपने ग्राहकों के साथ एक मौद्रिक संबंध कैसे बना सकते हैं, और यह दिखा सकते हैं कि आप अपने उत्पाद को ऐसे स्थिति में रख सकते हैं कि इसे मनाना लगभग असंभव हो। आप यह भी सीखेंगे क्यों आपकी कंपनी कभी भी मुख्य पात्र नहीं होती, समस्या को एक शैतान में कैसे बदलें, और पैसे हारना उन्हें जीतने से बुरा क्यों है। लेसन, योर मार्केटिंग मैसेज नीड्स टू बी क्लियर एंड स्पीक टू योर कस्टमर्स नीड्स। अगर आपको बेचने में आसान तरीका निकालना हो तो आप सोचेंगे बिंगो, नया वेबसाइट। लेकिन एक नई वेबसाइट कितनी भी फैंसी और आकर्षक हो, काम नहीं करेगी अगर आप भाषा को इफेक्टिवली नहीं इस्तेमाल करते। तो प्रोज की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वेल, आपको एक स्पष्ट संदेश बनाने की जरूरत है जो आपकी ब्रांड को किसी भ्रांति के लिए कोई जगह ना बचाए। यह संदेश तीन बातें साझा करनी चाहिए: आप कौन हैं, आप यहां क्यों हैं, और एक ग्राहक को यह चाहिए कि वह आपको किसी और के बजाय क्यों चुने। अगर आपका संदेश एक कंफ्यूजन है तो संभावित ग्राहक आपकी पेशकश को समझने में कठिनाई महसूस करेंगे और तेजी से अपना व्यापार किसी अन्य स्थान पर ले जाएंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास एक हाउस पेंटिंग का व्यापार है और एक ग्राहक जो अपने घर में एक नया कोट जोड़ना चाहता है वह आपकी वेबसाइट पर आता है। आप हाउस पेंटर्स के माइकलएंजेलो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट साफ तौर पर नहीं बताती है कि आप घरों को पेंट करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। परफेक्ट संदेश बनाते समय आपको अपने ग्राहकों की सर्वाइवल संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपका प्रोडक्ट या सेवा उनकी सर्वाइवल में कैसे मदद करेगा? आपको सही फ्रेम ऑन ऑफ माइंड में लाने के लिए आइए हम प्रत्याहिकी अब्राहम मैस्लो की दिशा में बदलते हैं। उन्होंने मानव आवश्यकताओं की एक प्रमुखता तैयार की, उन्हें हमारे सर्वाइवल के लिए उनके महत्व के हिसाब से क्रमबद्ध किया। पहले खाना और पीना आता है, फिर सुरक्षा और आवास, तीसरे स्थान पर है हमारी संबंधन की आवश्यकता, हमें दोस्ती और उन लोगों की आवश्यकता है जिनसे हम पुनरुत्पत्ति कर सकते हैं, अंत में हम अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनमें मनोविज्ञान से लेकर अध्यात्म तक सब कुछ शामिल है। इन आवश्यकताओं का इस्तेमाल करके आप अपने संदेश को और ग्राहकों को प्रेरित कर सकते हैं। ज्यादातर हमें स्वीकृत होना चाहिए और एक संगी खोजना चाहिए और किसी जमात का हिस्सा बनना होता है और सभी को खाना पीना है। तो इस ज्ञान का उपयोग करें और समझाएं कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों को इन आवश्यकताओं को पूरा करने में और जीवन में कैसे उन्नति मिलेगी, इसमें कैसे मदद करेगा। तो हाउस पेंटर का उदाहरण लेने के लिए अपना संदेश उन ग्राहकों की मदद पर केंद्रित करें जो ज्यादा बार अपने दोस्तों को बुलाने में मदद करना चाहते हैं, जो उनकी सर्वाइवल से संबंधित जरूरत को प्रतिष्ठित करता है। अगर आपका घर दिखने में किराबद्ध है, लोग आपको आने में हिचकिचाएंगे। लेसन, मेक योर मार्केटिंग मैसेज स्टिक बाय यूजिंग द स्टोरी ब्रांड 7-पार्ट फ्रेमवर्क। क्या आपने कभी किसी नॉवेल या फिल्म में इतना खो जाना है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता और कुछ घंटे बस ऐसे ही पलक झपकते जा रहे होते हैं? अच्छी कहानी एक जाल की तरह होती है, यह हमारी ममूलन फ्लीटिंग ध्यान को पकड़ लेती है और इसे तेजी से रोकती है, और जब एक कहानी में फंस जाते हैं तो वह जल्दी भूल नहीं जाते हैं। एक अच्छी कहानी सुनाने और ट्वीट्स, न्यूज फीड, वीडियो क्लिप्स और कमेंट्स का मेलजोल में अंतर यह है, एक कहानी में ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम कहानियों को सुनने में रुचि रखते हैं और यही वजह है कि वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है। एक कहानी एक धुन की तरह होती है। अगर आप बाहर जाकर कारों की असमय घंटियों या पक्षियों के अधीर चिरपिंग को सुनते हैं तो आप शायद उन आवाजों को 5 मिनट बाद याद नहीं करेंगे, लेकिन एक धुन एक सुनने के बाद दिमाग में बस जा सकती है, क्योंकि संगीत रूल्स और पहचाने जाने वाले पैटर्न को फॉलो करता है। इसीलिए एक ऐसे मैसेज को बनाएं जो एक धुन की तरह कैची हो। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपको स्टोरी ब्रांड 7-पार्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी SB7 फ्रेमवर्क छोटे में। कहानी की शक्ति से प्रेरित SB7 फ्रेमवर्क साथ
सबसे सामान्य कंपोनेंट्स के आसपास मुड़ा हुआ है। ये कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स हैं कैरेक्टर, प्रॉब्लम, गाइड, प्लान, कॉल्स टू एक्शन, फेलियर और सक्सेस। आने वाले ब्लिंक्स में हर मॉड्यूल को विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन अब के लिए यहाँ एक बेसिक वर्शन है कि यह कहानी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। कैरेक्टर को कुछ चाहिए होता है, लेकिन वह चीज पाना मुश्किल होता है। यही है प्रॉब्लम। जब कैरेक्टर हार मान लेने के करीब होता है तो एक गाइड दिखाई देती है। यह गाइड एक प्लान प्रदान करती है और कैरेक्टर को एक्शन लेने के लिए कहती है। फिर कैरेक्टर फेलियर से बचता है और वह चीज हासिल कर लेता है जो उसे शुरुआत में चाहिए थी। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया है कि कहानी का आर्क कैसा होता है। आपकी खुद की कहानी आधारित ब्रांड मैसेज इस आर्क का पालन करेगी और इसे स्टोरी ब्रांड ब्रांड स्क्रिप्ट के रूप में बनाया जाएगा। इस स्क्रिप्ट के साथ आप तैयार होंगे अपने ग्राहकों का ध्यान पकड़ने और उसे बनाए रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले SB7 फ्रेमवर्क मॉड्यूल को टैकल करके। लेसन: योर कस्टमर्स आर द हीरोज ऑफ योर स्टोरी एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन डिजायर। सबसे यादगार कहानियां हमेशा किसी हीरो के साथ होती हैं। स्टार वॉर्स के पास ल्यूक स्काईवॉकर हैं, लॉर्ड ऑन ऑफ द रिंग्स के पास फ्रोडो है, बोर्न आइडेंटिटी के पास जेसन बॉर्न है। लेकिन आपकी ब्रांड की कहानी का हीरो आप नहीं है, यह ग्राहक है। जैसे कि आपको पता है, SB7 फ्रेमवर्क का पहला मॉड्यूल कैरेक्टर है, और जैसे ही ग्राहक हमेशा सही होता है, वैसे ही ग्राहक हमेशा कैरेक्टर भी होता है। आपकी कहानी को सिर्फ आपके ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं पर ही फोकस करना चाहिए। इस तरह जब आपके ग्राहक असल जीवन में कुछ चाहें तो आपकी कहानी और इसी तरह आपका प्रोडक्ट तेजी से दिमाग में आएगा। मुख्य कैरेक्टर को ग्राहक बनाने की महत्वपूर्णता को साबित करने के लिए यहां एक उदाहरण है कि चीजें कैसे नहीं करनी चाहिए। एक लग्जरी रिजॉर्ट ने कभी अपनी कहानी को अपने ग्राहकों पर फोकस नहीं किया। उसकी वेबसाइट ने फ्रंट डेस्क और रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई, फिर रिजॉर्ट की कहानी के बारे में लंबी टेक्स्ट लिखी। अब यह एक गलती थी। उनका मैसेज काफी स्पष्ट नहीं था और यह बिल्कुल भी नहीं कहता था कि यह कैसे ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रभावी ब्रांड की कहानी का हीरो ग्राहक होता है, लेकिन ग्राहकों को सच्चे रूप से जुड़ने के लिए आपको उनकी इच्छाओं का भी निशाना करना होगा, या बल्कि एक विशिष्ट इच्छा पर। जो सेवाएं आप प्रदान करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना बेहद बेकार है। यह आपके ग्राहकों को भ्रमित करेगा और उनको यह दिखने में कठिनी होगी कि आपका संदेश उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। सोच रहे हैं कि उस आत्म मध्यस्थ रिजॉर्ट का हुआ क्या? वैसे किसी ने अंत में समझा कि ग्राहकों को बस आराम करना चाहिए, और इससे शानदार परिवर्तन हुआ। पूरी वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन किया गया और कुछ बचे हुए फोटोज में सुंदर टॉवेल्स, एक आमंत्रण स्वरूप नहाने और मालिश सत्र की विशेषताएं शामिल थीं। टेक्स्ट को भी हटा दिया गया और रिजॉर्ट का संदेश एक ही लाइन में कम हो गया: आराम और शानदारता, फोकस ऑन योर कस्टमर्स विलन और इंटरनल प्रॉब्लम्स टू एंगेज देम फर्दर। क्या आप एक कुशल समस्या समाधान करता है? हम में से कुछ लोग तब सबसे तेज होते हैं जब कुछ समस्या का हल करना पड़ता है, चाहे वह काम में एक उपयुक्त प्रक्रिया हो या एक अनुत्तेजक पैटर्न हो। यदि आप इनमें से एक हैं तो आपको साकार हो सकता है कि आपको SB7 फ्रेमवर्क के दूसरे मॉड्यूल का आनंद आएगा, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस द्वारा ग्राहकों की समस्याओं का हल कैसे करती है इस पर निर्भर करता है। जरा हंसी जी रहे हैं, बस अपने ग्राहकों की समस्याओं का उल्लेख करके आप उन्हें उस चीज के साथ जोड़ देंगे जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। लोग अपने को समझे जाने की भावना रखना पसंद करते हैं, और जब आप यह संवेदनशीलता करते हैं कि ग्राहकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप संवेदनशीलता करते हैं। हीरो के साथ कहानियां आमतौर पर एक विलन, एक शैतान जिसे हीरो को परास्त करना पड़ता है, को भी शामिल करती हैं। तो जब आप अपने ग्राहकों की कहानी सुना रहे हैं तो आपको उनकी समस्या को विलन के रूप में कास्ट करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आप एक समय प्रबंधन ऐप बेच रहे हैं। आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहकाने को विलन के रूप में पेश करें। समय चुराने वाली सभी चीजें को बुरा भला कहकर, उदाहरण के लिए यह बताते हुए कि तालाबंदी कैसे एक रिश्ते को बर्बाद कर सकती है, आप हर विघ्न को एक मिनी विलन में बदल देते हैं। और यह बिल्कुल इन विलन्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की मदद से हल होने वाली समस्या को दुरुस्त करते हैं। बस याद रखें, आपका ग्राहक ही हीरो है और सभी हीरो को परास्त करने के लिए एक विलन की आवश्यकता है। लेकिन यह विलन हमेशा किसी बाहरी समस्या का हिस्सा नहीं होता। अंतर्निहित समस्याएं अक्सर, यदि नहीं तो अधिक, दबावदार होती हैं।
ये आंतरिक समस्याएं आंतरिक इंतजार होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, आपको अपने लिए काफी समय नहीं मिलता है की तरह की भावना। कंपनियां अक्सर उन उत्पादों को बेचती हैं जो केवल बाहरी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यदि आप एक हाउस पेंटर हैं तो आप एक बाहरी सेवा बेचते हैं, घर को पेंट करना। लेकिन यदि आपका उत्पाद बाहरी है तो आपको भी आंतरिक समस्याओं के साथ बाजार करना चाहिए। याद रखें, ग्राहक आपको उसी कारण नहीं चुनेगा क्योंकि उसके घर को पेंट की जरूरत है, लेकिन जो उसे आपको चुनने पर मजबूर कर सकता है वह है एक आंतरिक समस्या को हल करने का वादा करने वाला। तो उस शर्मिंदगी को विलन के रूप में पेश करें जो उसे ब्लॉक के सबसे बुरे घर के मालिक होने की भावना है, और फिर उसे दिखाएं कि उस विलन को परास्त करने का तरीका है आपको हायर करके। बाहरी उत्पाद अधिक बेहतर तरीके से बेचे जाते हैं जब उन्हें आंतरिक समस्याओं के समाधान के साथ जोड़ा जाता है। लेसन: गाइड योर कस्टमर्स बाय बीइंग बोथ एम्पैथिक एंड अथॉरिटेटिव। कहानी के लगभग हर हिस्से में हीरो को किसी समस्या में फंसना पड़ता है। उदाहरण के लिए, लूक स्काईवॉकर अपने हाथ को खो देते हैं और अंधकार के साथ निपटना पड़ता है, और फ्रोडो को वन रिंग के भारी बोझ को झेलना पड़ता है। लेकिन फिर जब सब कुछ असहाय लगने लगता है, एक मार्गदर्शक आता है, कोई जो ज्ञान बांटता है, समर्थन प्रदान करता है और हीरो को सही मार्ग पर वापस लाता है। लूक के लिए यह योदा है, ज्ञान और जेड़ाई कौशलों से भरपूर छोटा हरित प्राणी। फ्रोडो के लिए यह गैंडाल्फ है, अशुभ कुशल विद्याधर। लेकिन मार्गदर्शक किसी भी रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह एक फुटबॉल कोच हो सकता है जो एक युवा खिलाड़ी को आत्मविश्वास की शक्ति दिखाता है, या एक शिक्षिका जिनके पाठ उसके छात्रों को नए दृष्टिकोण में देखने को बहुत सा करता है, या एक व्यापार नेता जो अपनी टीम को अनुभवी सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। आपकी ब्रांड कहानी में आपकी कंपनी मार्गदर्शक है, वह ज्ञानी और समर्थ सहायक जो ग्राहकों को जीवन की समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। अपने आप को मार्गदर्शक के रूप में प्रभावी और विश्वसनीयता से प्रस्तुत करने के लिए आपको दो बातें बाहर करनी होंगी, सहानुभूति और प्राधिकृति। सहानुभूति पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। यह न केवल दिखाता है कि आप अपने ग्राहक के दुख और परेशानी को समझते हैं, बल्कि यह विश्वास योग्य रिश्ते के लिए नींव रखता है। इस प्रकार के रिश्ते के बिना आपकी सलाह को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। प्राधिकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब प्राधिकृति स्थापित करने के लिए आपको अत्यंत प्राधिकृति की आवश्यकता नहीं है, संभाल से योग्यता का एक स्थिर प्रदर्शन ही काफी है। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग कंपनी इन्फ्यूजन सॉफ्ट को देखें। इसकी वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि इसकी सेवा से 125,000 उपयोगकर्ता संतुष्ट हैं। इसके मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को प्राप्त सम्मानों का भी उल्लेख किया गया है। संख्याओं और सिफारिशों का उपयोग करके इन्फ्यूजन सॉफ्ट अपनी योग्यता को साबित करता है और इस प्रकार अपनी प्राधिकृति को स्थापित करता है। अब जब आपने अपनी ब्रांड कहानी में मुख्य पात्रों को पेश किया है, यह समय है कि कहानी का प्लॉट बनाना शुरू करें। लेसन: टू इंश्योर कस्टमर परचेसेस, ले आउट ईदर अ प्रोसेस प्लान और एन एग्रीमेंट प्लान। चलिए मान लो आपने खुद को अपने कस्टमर्स के लिए एक विशेष मार्गदर्शक के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन्हें आपकी राय और अधिकार में भरोसा है, लेकिन इस भरोसे के बावजूद भी यह कोई गारंटी नहीं है कि वे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। खरीदारी करना एक जोखिम है, और इसलिए आपको प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना प्रदान करनी होगी। सोचो ऐसे, तुम्हारे कस्टमर्स एक नदी के किनारे खड़ा है, उन्हें पार करना है लेकिन कोई पुल नहीं है और वे भीगने को तैयार नहीं है, तो क्या करते हो? तुम कुछ बड़े पत्थर नदी में फेंक देते हो और तुम्हारे कस्टमर्स उस पत्थर से पत्थर पर कूद कर पार कर सकते हैं। ये पत्थर तुम्हारी योजना को दर्शाते हैं। मेटाफोर्स छोड़ो, यहां कुछ व्यावसायिक योजना बनाने के दिशा निर्देश हैं। तुम्हें या तो दिखाना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को टैग कैसे करना है, या फिर आपके प्रोडक्ट की खरीदारी को पूरी तरह से जोखिम मुक्त बनाना चाहिए। पहला तरीका, अपने कस्टमर्स को दिखाना कि क्या करना है, इसे हम प्रोसेस प्लान कहते हैं। इससे यह दिखता है कि कैसे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदें या इसका उपयोग करें, जिससे कस्टमर कंफ्यूजन का खतरा कम हो और कस्टमर रिटेंशन के चांसेस बढ़ें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऑनलाइन दुकान चलाते हैं जो स्टोरेज सिस्टम बेचती है, और कोई अपनी गैराज के लिए एक सिस्टम की खोज में आपकी वेबसाइट पर आता है, तो स्पष्ट प्रोसेस प्लान की आवश्यकता है। बिना इसके ग्राहक को यह पता नहीं चलेगा कि क्या यह सिस्टम उसके गैराज में फिट होगा या वह इसे खुद असेंबल कर सकता है। कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने स्टोरेज सिस्टम वेबसाइट पर ग्राहकों को निम्नलिखित निर्देश दो। 1. अपने स्थान को मापें। 2. फिर
अपने स्थान की मापों के साथ मेल खाने वाले पार्ट्स का ऑन ऑर्डर करें। 3. आखिरकार कुछ ही मिनटों में बेसिक टूल्स के साथ सिस्टम को खुद इंस्टॉल करें। दूसरा तरीका है एक एग्रीमेंट प्लान, और यह उनको एक ऐसे समझौते की पेशकश करने के बारे में है जो उनकी चिंता को खत्म कर देता है कि वह आपके प्रोडक्ट को खरीदने से डरते नहीं है। उदाहरण के लिए कारमैक्स, एक यूज्ड कार डीलर, को यह समझना था कि उन्हें एक जिद्दी सेल्समैन के साथ बाजार करने से डर था, इसलिए उन्होंने 2 वादे किए। सभी सौदे हैगलिंग मुक्त होंगे और कोई भी खरीदार ऐसी गाड़ी के साथ नहीं जाएगा जो उनकी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा नहीं करेगी। लेसन: स्पर कस्टमर्स टुवर्ड मेकिंग अ परचेस बाय गिविंग ईदर डायरेक्ट और ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन। बधाई हो, तुम्हारी कहानी लगभग पूरी हो गई है, लेकिन क्लाइंट्स आने से पहले अब भी थोड़ा काम बाकी है। तुम्हें अपने कस्टमर्स को कार्यवाही लेने के लिए चैलेंज करना होगा। याद रखो, सामान्य उपभोक्ता लगभग 3000 विज्ञापनों को हर दिन देखेंगे, इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। धीरे धीरे ध्यान के लिए इंतजार करना काटने वाला नहीं है, कस्टमर्स बस तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन एक प्रभावशाली कार्यवाही की ओर कैसे बढ़ना चाहिए? वेल, एक प्रमुख और सटीक तरीका है सीधा कॉल टू एक्शन बनाना। सीधे कॉल्स टू एक्शन कस्टमर्स को उत्साहित करता है, साहसपूर्वक और स्पष्ट रूप से कुछ खरीदने के लिए। तुमने निश्चित ही उन बटन्स को देखा होगा जो गेट इट नाउ या रजिस्टर या परचेस लिखा होता है। लगभग हर वेबसाइट जो कुछ भी बेचती है उसमें होता है, और यह इसलिए है क्योंकि वे बहुत प्रभावी होते हैं। तुम्हारी वेबसाइट में भी इन्हें फीचर किया जाना चाहिए। बेहतर होगा इनमें से एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा जगहों पर, ताकि जब कस्टमर्स तुम्हारी साइट का अन्वेषण करें उन्हें कई कॉल्स टू एक्शन मिले। एक और तरीका है ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन। सीधे कॉल्स टू एक्शन के विपरीत, जो कस्टमर्स को एक ऑन ऑर्डर देने के लिए प्रेरित करता है, ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन यह चाहता है कि कस्टमर्स कहीं पर भी खरीदारी करने से इनकार कर दें तो भी उनके साथ एक मित्रता बनी रहे। इसका मकसद यह है कि जब भी उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का समाधान तुम्हारा प्रोडक्ट करता है तो वह तुम्हारे बारे में सोचें और कंपटीशन के बारे में नहीं। बधाई हो, तुम्हारी कहानी लगभग पूरी हो गई है, लेकिन क्लाइंट्स आने से पहले अब भी थोड़ा काम बाकी है। तुम्हें अपने कस्टमर्स को कार्यवाही लेने के लिए चैलेंज करना होगा। याद रखो, सामान्य उपभोक्ता लगभग 3000 विज्ञापनों को हर दिन देखेंगे, इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। धीरे धीरे ध्यान के लिए इंतजार करना काटने वाला नहीं है, कस्टमर्स बस तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन एक प्रभावशाली कार्यवाही की ओर कैसे बढ़ना चाहिए? वेल, एक प्रमुख और सटीक तरीका है सीधा कॉल टू एक्शन बनाना। सीधे कॉल्स टू एक्शन कस्टमर्स को उत्साहित करता है, साहसपूर्वक और स्पष्ट रूप से कुछ खरीदने के लिए। तुमने निश्चित ही उन बटन्स को देखा होगा जो गेट इट नाउ या रजिस्टर या परचेस लिखा होता है। लगभग हर वेबसाइट जो कुछ भी बेचती है उसमें होता है, और यह इसलिए है क्योंकि वे बहुत प्रभावी होते हैं। तुम्हारी वेबसाइट में भी इन्हें फीचर किया जाना चाहिए। बेहतर होगा इनमें से एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा जगहों पर, ताकि जब कस्टमर्स तुम्हारी साइट का अन्वेषण करें उन्हें कई कॉल्स टू एक्शन मिले। एक और तरीका है ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन। सीधे कॉल्स टू एक्शन के विपरीत, जो कस्टमर्स को एक ऑन ऑर्डर देने के लिए प्रेरित करता है, ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन यह चाहता है कि कस्टमर्स कहीं पर भी खरीदारी करने से इनकार कर दें तो भी उनके साथ एक मित्रता बनी रहे। इसका मकसद यह है कि जब भी उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का समाधान तुम्हारा प्रोडक्ट करता है तो वह तुम्हारे बारे में सोचें और कंपटीशन के बारे में नहीं। यह आमतौर पर उपहार करके किया जाता है जो यादगार है लेकिन मुफ्त है। उदाहरण के लिए, एक सीजन के वेबिनार देखने के लिए एक आमंत्रण, या यदि तुम एक वेब डिजाइनर हो, वेब डिजाइन के मौलिक सिद्धांतों को आउटलाइन करने के लिए एक PDF के डाउनलोड करने का लिंक। ऐसे जेस्चर्स कस्टमर्स के साथ चिपक जाते हैं और वे भविष्य में फिर से तुम्हारी ओर लौटने के लिए अधिक संभावनाएं होती हैं। Lesson: further motivate customers to buy by reminding them of what they'll lose if they don't. सच हो सकता है कि हर कोई एक खुश खत्मा पसंद करता है, फिर भी यह है कि कोई फिल्म, किताब या वेब सीरीज दुखद खत्मा हो सकता है। यह हमारे इंटरेस्ट को जगाए रखता है। हम पेज या स्क्रीन पर चिपके रहते हैं प्रेसिसली इसलिए क्योंकि हमें डर है कि हीरो के लिए सब ठीक नहीं होगा, डर है कि यह किरदार जिसे हम परवाह करते हैं अंत में असफल हो सकता है या मर सकता है। आपकी ब्रांड की कहानी में आपको इस असफलता के भय का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का भय हमारे खरीदारी निर्णयों को भी मार्गदर्शित करता है। 1979 में व्यावहारिक अर्थशास्त्री डेनियल कानेमैन ने लोगों को खरीदने के पीछे की क्या बात है
पर एक पेपर प्रकाशित किया। इस पेपर में उन्होंने यह लिखा है कि सामान्यतः लोग एक हानि के बाद के निराशा को लाभ के बाद की संतोष से अधिक महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए $1,000 हारने का दुख जीतने के $1,000 मिलने के सुख से अधिक होता है। अब जब बात आती है खरीदने के फैसलों पर तो यही नियम लागू होता है। हम नुकसान से बचने में अधिक रुचि रखेंगे, लाभ प्राप्त करने से कम। और इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा को ना खरीदने के नुकसान को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप एक इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं। इंश्योरेंस का पूरा मतलब है कि संभावित हानियों से बचा जाए, इसलिए सेंसिकल होगा कि आप एक विज्ञापन अभियंता चलाएं जो उन हानियों को विशेषत एक चोरी हो, एक आग हो या एक दुर्घटना हो, और दिखाए कि आपके इंश्योरेंस को खरीदकर आपके ग्राहक सुरक्षित रहेंगे। या फिर मानिए आप एक वित्तीय सलाहकार हैं, आपको दिखाना होगा कि आप अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं की तुलना में हमेशा ग्राहकों से व्यक्तिगत मिलेंगे। आप ही वह व्यक्ति हैं जो उन्हें निवेश रचना के जंगल में लेकर जाएंगे और छुपे शुल्कों से नहीं मिलेंगे। लोग चिंतित हैं कि उनसे उनका पैसा धोखा हो जाएगा, और इस बात को सुझाने के रूप में कि अधिकांश वित्तीय सलाहकार आमतौर से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें चुनाव करने की संभावना बढ़ा देंगे। अब जब आपको पता है कि असफलता का उपयोग कैसे किया जाता है, आइए आखिरी मॉड्यूल का समाधान करें, सफलता। लेसन: शो योर कस्टमर्स हाउ योर प्रोडक्ट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स बाय शेयरिंग अ विजन। कहानियां खींचती हैं क्योंकि हमेशा एक दुखद अंत की संभावना होती है, लेकिन किसी को भी अपनी कहानी को दुखद अंत से समाप्त होना नहीं चाहिए। और इसी कारण जब आप अपने ग्राहकों की आंखों के सामने प्रोडक्ट ना खरीदने के खतरों को लटकाते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली खुश अंत को साफ रूप से बयान करना चाहिए। वह खुश अंत सफलता है। उदाहरण के लिए, नाइक ने केवल गुणवत्तापूर्ण जूते और एथलेटिक गियर नहीं बेचे हैं, इसने पूरी जीवन शैली का भी वादा किया है जिसमें प्रेरणा और उत्साह और जय है। तो आप ऐसा कैसे एक दृष्टि बना सकते हैं जिसकी की ओर आपके ग्राहक स्त्रीड़ते होंगे? वेल, यहां तीन रणनीतियां हैं। पहली रणनीति के बारे में है स्थिति। क्या आपने कभी उन फिल्मों में देखा है जहां हर दुश्मनी के खिलाफ वह मीठा और नर्डी आदमी अच्छी और लोकप्रिय लड़की के साथ खड़ा हो जाता है? पुरुष नर्ड्स वर्ल्ड वाइड इस कथा को टेंटलाइजिंग मानते हैं, न केवल इसलिए कि आदमी लड़की को पा लेता है, बल्कि इसलिए भी कि उसकी स्थिति बढ़ती है। कहानियां खींचती हैं क्योंकि हमेशा एक दुखद अंत की संभावना होती है, लेकिन किसी को भी अपनी कहानी को दुखद अंत से समाप्त होना नहीं चाहिए। और इसी कारण जब आप अपने ग्राहकों की आंखों के सामने प्रोडक्ट न खरीदने के खतरों को लटकाते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली खुश अंत को साफ रूप से बयान करना चाहिए। वह खुश अंत सफलता है। उदाहरण के लिए, नाइक ने केवल गुणवत्तापूर्ण जूते और एथलेटिक गियर नहीं बेचे हैं, इसने पूरी जीवन शैली का भी वादा किया है जिसमें प्रेरणा और उत्साह और जय है। तो आप ऐसा कैसे एक दृष्टि बना सकते हैं जिसकी की ओर आपके ग्राहक स्त्रीड़ते होंगे? वेल, यहां तीन रणनीतियां हैं। पहली रणनीति के बारे में है स्थिति। क्या आपने कभी उन फिल्मों में देखा है जहां हर दुश्मनी के खिलाफ वह मीठा और नर्डी आदमी अच्छी और लोकप्रिय लड़की के साथ खड़ा हो जाता है? पुरुष नर्ड्स वर्ल्ड वाइड इस कथा को टेंटलाइजिंग मानते हैं, न केवल इसलिए कि आदमी लड़की को पा लेता है, बल्कि इसलिए भी कि उसकी स्थिति बढ़ती है। इसलिए आपको अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को स्थिति के साथ समान करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसे करने का एक साधारित तरीका एक प्रीमियम सदस्यता बेचना है जो अन्य सदस्यों के लिए अनुपलब्ध लाभ प्रदान करता है। दूसरी रणनीति पूर्णता के बारे में है। हमने सभी एक फिल्म या किताब देखी है जहां दो प्रेमी लंबे समय से तारा मित्र अंततः अपने रोमांस के रुकावटों को पार करते हैं और खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अमूर्त, ऐसे अंत अब भी उत्कृष्ट हैं, और इसलिए कि वे पूर्णता की भरपूर भविष्यवाणी करते हैं जो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट करना चाहिए। हालांकि यदि आप सिर्फ डिश सोप बेचते हैं और जो पूर्णता आप दे सकते हैं वह साफ बर्तन है, तो फिर भी यह क्लीन डिश कैसे आपके ग्राहक का जीवन पूरा करेगा, इसको व्याख्या करना चाहिए। आपको यह सिद्ध करना है कि इस विशेष सोप के बिना किसी भी को भी पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है। तीसरी रणनीति आत्मस्वीकृति और अपनी संभावना तक पहुंचने के बारे में है। इसे करने का एक तरीका यह है कि ग्राहकों को अपनी जरूरतों को स्वीकार करने में मदद करें। वस्त्र कंपनी अमेरिकन ईगल ने इसे अच्छी तरह से किया। उन्होंने मॉडल्स और एयर ब्रशिंग का उपयोग नहीं किया, बल्कि वह सामान्य लोगों की तस्वीरों के साथ विज्ञापन किया। यह क्रांतिकारी विपणी था ही, यह उन व्यक्तियों के लिए अधिक स्वीकृति की ओर एक कदम था जिन्होंने विज्ञापन देखा
और यदि यह एक खुश अंत नहीं है या एक ऐसी दृष्टि जिसके पीछे हमें सभी को खड़ा होना चाहिए तो कहना मुश्किल होगा। इसलिए आपको अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को स्थिति के साथ समान करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसे करने का एक साधारित तरीका एक प्रीमियम सदस्यता बेचना है जो अन्य सदस्यों के लिए अनुपलब्ध लाभ प्रदान करता है। दूसरी रणनीति पूर्णता के बारे में है। हमने सभी एक फिल्म या किताब देखी है जहां दो प्रेमी लंबे समय से तारा मित्र अंततः अपने रोमांस के रुकावटों को पार करते हैं और खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अमूर्त, ऐसे अंत अब भी उत्कृष्ट हैं और इसलिए कि वे पूर्णता की भरपूर भविष्यवाणी करते हैं जो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट करना चाहिए। हालांकि यदि आप सिर्फ डिश सोप बेचते हैं और जो पूर्णता आप दे सकते हैं वह साफ बर्तन है, तो फिर भी यह क्लीन डिश कैसे आपके ग्राहक का जीवन पूरा करेगा, इसको व्याख्या करना चाहिए। आपको यह सिद्ध करना है कि इस विशेष सोप के बिना किसी भी को भी पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है। तीसरी रणनीति आत्म स्वीकृति और अपनी संभावना तक पहुंचने के बारे में है। इसे करने का एक तरीका यह है कि ग्राहकों को अपनी जरूरतों को स्वीकार करने में मदद करें। वस्त्र कंपनी अमेरिकन ईगल ने इसे अच्छी तरह से किया। उन्होंने मॉडल्स और एयरब्रशिंग का उपयोग नहीं किया, बल्कि वह सामान्य लोगों की तस्वीरों के साथ विज्ञापन किया। यह क्रांतिकारी विपणी था ही, यह उन व्यक्तियों के लिए अधिक स्वीकृति की ओर एक कदम था जिन्होंने विज्ञापन देखा। और यदि यह एक खुश अंत नहीं है या एक ऐसी दृष्टि जिसके पीछे हमें सभी को खड़ा होना चाहिए तो कहना मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिय बुक बाइट्स समुदाय, इस साहित्यिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे साथ बुक्स के विशेष दुनिया दृष्टिकोणपूर्ण चर्चाओं और नए कथाओं का आनंद लिया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करके आप हमारे सभी नवीनतम अपलोड्स को अपडेट रहेंगे। हमेशा नए बुक सुझाव, समीक्षाएं और रोमांचक वार्ताओं से कोई भी बचेगा नहीं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मिलकर हम एक पुस्तक प्रेमी समुदाय बना रहे हैं। आइए इस आशावादी खोज की यात्रा को जारी रखें, पृष्ठ एक एक करके। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई बुक बाइट्स का साहित्यिक एडवेंचर न छोड़ें। आपका आनंद हमारे लिए सर्वोत्तम सर्जन है और मिलकर हम एक पुस्तक प्रेमी परिवार बना रहे हैं। नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें ताकि आप कभी भी बुक बाइट्स की दुनिया से विचलित न रहें। खुश पढ़ाई और हमारे पुस्तकीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आप इसे अपने चैनल के अनुरूप रूप और शैली में अनुकूलित कर सकते हैं।